हेलो फ्रेंड्स आई होप यू हैड अ प्रोडक्टिव वीकेंड आज के एडिशन में सैटरडे और संडे के न्यूज इवेंट्स को भी कवर किया गया है लेट्स गेट स्टार्टेड विद गिट एडिशन ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से गवर्नमेंट ने पूरे देश में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पोल्स को एक साथ कराए जाने की फिजिबिलिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी को एस्टैब्लिश किया है इस कमिटी को फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हेड करेंगे इस कमेटी में टोटल आठ होंगे और वो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह राज्यसभा के फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एन के सिंह सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी सुभाष सी कश्यप फॉर्मर कमिश्नर ऑफ विजिलेंस कमीशन संजय कोठारी ये कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और बाकी और रूल्स में साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत को एग्जामिन करेगी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम पांच मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अमेंड करना पड़ेगा उनकी बात की जाए तो आर्टिकल एटी जो रिलेटेड है रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाई द प्रेजिडेंट से आर्टिकल वन जो रिलेटेड है स्टेट लेजिस्लचर्स ड्यूरेशन से आर्टिकल 174 जो रिलेटेड है ऑफ स्टेट से आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स रिलेटेड है इंपोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट्स रूल इन स्टेट से और ये कमेटी ये भी एग्जामिन करेगी कि अगर हंग हाउस मतलब कि जब इलेक्शन के बाद किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी ना हो या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अडॉप्शन के बाद या फिर मेंबर्स के डिफेक्शन के बाद ऐसे सिनेरियोस अराइज हो जाते हैं जिनकी वजह से फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़े तो ऐसे सिचुएशंस को वन नेशन वन इलेक्शन के फ्रेमवर्क में कैसे हैंडल किया जाए इस पैनल को कॉन्स्टिट्यूशन करने वाली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन की वन रिपोर्ट को भी कोट किया गया है जिस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में बोला गया था कि हर साल देश में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने की इस एंडलेस साइकिल को अब रोक देना चाहिए

इस एग्जिबिशन के लिए कोई आर्टिफैक्ट्स भेजें तो इस एग्जिबिशन के मेजर आइटम्स की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड है यूनाइटेड किंगडम का फेमस चार्टर ऑफ राइट्स जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है 15th सेंचुरी का बेलवेडियर अपोलो स्टैचू जो कि है इटली से 18th सेंचुरी का फहुला लेडेड जार जो है चाइना से और इंडिया का इस एग्जिबिशन में कंट्रीब्यूशन होगा पाणिनी की अष्ट अध्याय जो कि आर्ट एंड कल्चर के प्रस्पेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब पनिनी की अष्टाध्याय की बात करें तो ये डेटेड है फिफ्थ सेंचुरी बी में और संस्कृत की ये पहली ग्रामेटिकल टेक्स्ट है 321 ट्वेंटी वन बी सी में एस्टेब्लिश मौर्य पीरियड से पहले एग्जिस्ट करने वाले जनपद पीरियड के बारे में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका एक मेजर सोर्स ये पनिनी की अष्ट अध्याय है इस टेक्स्ट में अमंग अदर थिंग्स तक्षशिला सिटी का भी वर्णन किया गया है आई होप अपनी एंशियंट हिस्ट्री की प्रिपरेशन के दौरान आप पनीनी की अष्ट अध्याय के बारे में पढ़ चुके होंगे और अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें ये नोट्स में भी मिल जाएगी ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के इंस्टीट्यूशन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के मर्जर को अप्रूव कर दिया है अब ये मर्जर बाई इल्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक मेजर इंस्टीट्यूशन है है वो इंपॉर्टेंट कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इसका स्टैच्यू देश एक्ट 2002 है और इसका मैंडेट है मॉडर्न कॉम्पिटेटिव लॉ की फिलोसफी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना और कॉरपोरेट वर्ल्ड में मोनोपोली जैसी सिचुएशन को अराइज ना होने देना इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में भी मिल जाएगी ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज है और ये है अरुणाचल प्रदेश से जिन्होंने अपने स्टेट में रोडेंट्स को ट्रैप करने के लिए ग्लू ट्रैप्स के यूज को बैन कर दिया है उनका कहना है कि ग्लू ट्रैप्स का यूज एनिमल्स के लिए क्रुअल और सफरिंग भरा मेथड है और इन ग्लू ट्रैप्स का यूज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 सिक्सटी प्रोविजंस में भी बैंड है प्रिवेंशन ऑफ क्रूवी टू एनिमल्स एक्ट 1960 की बात करें तो इस लेजिस्लेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एंड एडमिनिस्टर करती है और यह लेजिस्लेशन और इसका एक इंस्टीट्यूशन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ए डब्ल्यू बी आई इसी साल की शुरुआत में भी डॉग अटैक से रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से भी न्यूज में था आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें ये न्यूज़ है स्पेस और साइंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है आदित्य एलवन मिशन नोट्स बाय नाउ ब्रीफली एक बार फिर से इसकी डिटेल्स को करें तो आदित्य एलवन की डेस्टिनेशन लैगरेन्ज पॉइंट एलवन है जो अर्थ से लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर दूर है इस मिशन का लॉन्चर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पी है ये मिशन अब अगले 16 दिनों तक अर्थ की ऑर्बिट में ऑर्बिटल मनुअवर परफॉर्म करेगा जिससे यह रिक्वायर्ड वेलोसिटी गेन कर लेगा और फिर सूरज की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा 16 दिन बाद अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के बाद यह मिशन ट्रांस ट्रांसलैग्रेंजियन मनुवर परफॉर्म करेगा और लैगरेंज पॉइंट एलवन की तरफ अपनी एक दिन लंबी जर्नी स्टार्ट करेगा इस मिशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्टडी करेगा कि कोरोनल हीटिंग से एसोसिएटेड मिस्ट्री के अंडरलाइन कॉजे क्या हैं मतलब कि क्यों सन का कोरोना उसके सरफेस से कई गुना ज्यादा गर्म होता है और यह मिशन स्टडी करेगा कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में सोलर फ्लेयर एक्टिविटीज के बारे में और स्पेस वेदर एक्टिविटीज के बारे में इस मिशन में टोटल सात पेलोड्स हैं और ये सारी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगी आप उनको रेफर कर लें

क्वेश्चन और बाकी और सभी इंस्ट्रूमेंट्स जिसको मेंबर्स गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए यूज करते हैं उनके बारे में आप पढ़ लें ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एक फंडामेंटल नॉलेज है ये न्यूज है इलेक्शन कमीशन से कल इंडिया के छह स्टेट्स की सात कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाय इलेक्शंस होंगे अब ये इलेक्शंस इलेक्शन कहा होंगे ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है पर बाय इलेक्शंस All by itself, एक important topic है। by elections की बात करे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंडक्ट अंदर -अंदर, कराना जरूरी है पर सिर्फ तब जब रिमेनिंग टर्म एक साल से ज्यादा हो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में पढ़ लें ये दोनों सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से एक फंडामेंटल नॉलेज है यह हमारा आज का एक्सप्लेनर पीस है और इस पीस के ऑथर हैं कार्तिके सिंह और इसका कॉन्टेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन जिस टॉपिक पर एक बार फिर से देश में चर्चा शुरू हो गई है तो इसी हफ्ते एक सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक हाई लेवल पैनल को किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इस पैनल के लीडर हैं और इसमें काफी और मेंबर्स भी हैं अलग अलग फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से तो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से देश में होने वाले सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे मतलब कि जहां पर फिलहाल वो अलग-अलग समय पर होते हैं उनको वन नेशन वन इलेक्शन के बाद एक ही इवेंट में ग्रुप कर दिया जाएगा मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाला वोटर इलेक्शन के एक ही दिन में अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एमएलए के लिए एक ही दिन वोट करेगा और फिर आइडियली पूरे देश में नेक्स्ट वोटिंग साइकिल पांच साल बाद होगी। हिस्टोरिकली 26 जनवरी 1950 के तुरंत बाद देश में जब पहले इलेक्शन हुए थे तब लोकसभा और स्टेट के लिए इलेक्शन एक ही साथ हुए थे और ये सिंक्रोनाइज्ड वोटिंग अगली तीन लोकसभा टर्म्स यानी कि 1967 तक चली जिसके बाद ये सिंक्रोनाइजेशन डिसरप्ट हो गई सबसे पहले इन इलेक्शन में डिसरप्शन 1959 में हुई थी जब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 के यूज से केरला गवर्नमेंट को उनकी चल रही टर्म के दौरान डिसमिस कर दिया था और नाइनटीन के दौरान तो एक दौर चला डिफेक्शंस और काउंटर डिफेक्शंस का जिसके चलते काफी सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अपनी टर्म के पूरा किए बिना ही डिसमिस कर दिया गया और रिजल्ट यह था कि इस कंट्री में पोल्स को एक साथ कंडक्ट करना अनफीजिबल हो गया और ये अलग अलग इलेक्शन एक्सेप्शन से एक नॉर्म बन गए 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जिसको उस समय बी एस चौहान हेड कर रहे थे उन्होंने वन वन नेशन इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल और एक ड्राफ्ट पेपर को रिलीज किया ये रिलीज रिपोर्ट उस समय का एक मेजर न्यूज इवेंट था बी एस चौहान की उस रिपोर्ट में कंक्लूड किया गया था कि अभी एग्जिस्ट कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के चलते देश में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना फिजिबल नहीं है उस रिपोर्ट में और बोला गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंब्लीज में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स को करना जरूरी होगा और अगर ये अमेंडमेंट्स किए जाते हैं तो इस प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए स्टेट गवर्नमेंट से फिफ्टी रेटिफिकेशन लेकर वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेजेस के बारे में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में बोला गया था कि इससे पब्लिक फंड्स की काफी सेविंग होगी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हर साल होने वाला स्ट्रेन कम हो जाएगा और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स अपना ध्यान पब्लिक के लिए पॉलिसी की फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर कर पाएंगे कंपेयर टू आज के सिनेरियो में जहां हर साल इलेक्शन होने की वजह से उनका ध्यान डाइवर्टेड रहता है इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कराने में और वोट्स को इकट्ठा करने में पर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े कंसर्न क्या हैं? सबसे पहला कंसर्न यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव की ड्यूरेशन नॉर्मल सिनेरियो में पांच साल फिक्स्ड है पर ऐसे केसेस कॉमन है जब इन गवर्नमेंट को अपनी टिन्योर पूरा करने से पहले डिजोल्व कर दिया जाता है जैसे कि आर्टिकल 356 के यूज से तो ऐसी पॉसिबिलिटी के चलते जब कुछ गवर्नमेंट्स अपने टिन्यौर से पहले ही डिसॉल्व हो सकती हैं ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के सिंक्रोनाइजेशन को कैसे मेंटेन किया जाए ये एक मेजर चैलेंज है क्या ऐसे सिनेरियो में जहां स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है क्या वहाँ इमीडिएटली इलेक्शन कराए जाए या फिर अगले इलेक्शन तक वहाँ पर प्रेजिडेंट्स रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा ये एक मेजर चैलेंज है वन नेशन वन इलेक्शन को फिलहाल इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे पॉसिबल सिनेरियो से डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर मेजर अमेंडमेंट्स और उससे पहले करने की जरूरत पड़ेगी दूसरा कंसर्न जो वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा है वो ये है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट फेडरलिज्म के कंसेप्ट के साथ परफेक्टली अलाइंट नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में देश को एक सिंगल यूनिट की तरह देखा जाता है पर आर्टिकल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंस्टेंस इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स डिफाइन करता है और तीसरा कंसर्न जो वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा है वो ये है कि बार बार इलेक्शन होने से सिटीजन्स की आवाज को बार बार थोड़े समय के इंटरवल में सुना जाने का मौका मिलता है और क्योंकि सेंटर लेवल और स्टेट लेवल से सिटीजन के जुड़े कंसर्न्स अलग अलग होते हैं फिलहाल देश में चल रहे इलेक्शन सिस्टम में उनको सुना जा सकता है और हाई चांसेस हैं कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शन के एक साथ होने से ये इश्यूज एक साथ ब्लेंड हो जाएं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने वन नेशन वन नेशन इलेक्शन को सपोर्ट करते हुए ये भी बोला है कि अलग अलग इलेक्शन कराने से फाइनेंशियल बर्डन काफी बढ़ जाता है पर इस पीस के ऑथर द हिंदू की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ने पिछले पांच सालों में सभी इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिसका अगर पर पर्सन कॉस्ट हिसाब लगाया जाए तो यह सत्ताईस रुपए पर वोटर कैलकुलेट होता है और वो बोलते हैं कि इंडिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सत्ताईस रुपए पर पर्सन खर्च करना एक जायज खर्चा है दिट्स ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स सी यू टूमोरो इन द नेक्स्ट एडिशन